अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ के बोंडार बाईपास पर तमिलनाडु के 5 नौजवान नजर आने पर मुकामी नौजवानों ने की पूछताछ। मुल्क में लॉकडाउन की वजह से सब परेशान हैं। अचानक लॉकडाउन से मुलाजिमत करने वाले और मजदूर पेशा अफराद जहां काम करते थे वहीं रुक गए हैं। चूंकि लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा ही होता जा रहा है, खाने रहने का मसला पैदा हो रहा है और इनके खानदान के अफराद परेशान हो रहे हैं। ऐसे में मजबूर होकर ऐसे लोग पैदल निकल रहे। नांदेड़ के बोंडार बाईपास पर रियासत तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले 5 नौजवान नजर आने पर मुकामी नौजवानों ने पूछताछ की। मालूम हुआ कि हिंगोली में थे और अब पैदल अपने गांव के लिए निकल पड़े हैं। नौजवानों ने इन्हें खाना खिलाया, इसकी इत्तला मुकामी कारपोरेटर सैयद शेर अली को दी। इन्होंने बलदिया उदमा के मेडिकल स्क्वाड को तलब किया। नौजवानों की मेडिकल जांच की गई। सिडको पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारान भी अमले के साथ पहुँच गए। इन नौजवानों को अस्पताल में शरीक किए जाने की इत्तला है। ये नौजवान हिंगोली में किसी कंपनी के प्रोडक्ट की फरोख्त का काम करते थे। देखिए, अभी हमको जैसा पता चला कि कुछ लोग मतलब पांडिचेरी तमिलनाडु के लोग यहाँ पर आए बोलकर, तो जैसा फ़ोन आया तो हमने सबसे पहले हमारे जो महानगर पालिका की जो हेल्थ टीम है उनको फ़ोन किया। उसके बाद उनको लाकर उनका टेम्परेचर वगैरह चेक कराया और टेम्परेचर नॉर्मल है उनका। उसके बाद हमारे सिडको के PI साहब, कचरे साहब को फ़ोन करे, उन्होंने हमारे PSI साहब को भेजा, उनकी टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये 5 लोग पांडिचेरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो काम के सिलसिले में कोई एक प्रोडक्ट बेचने के सिलसिले में हिंगोली आए थे और वहाँ पर अटक गए थे, और उसके बाद वहाँ पर उनको खाने पीने की और रहने की प्रॉब्लम होने की वजह से वो लोग पैदल पांडिचेरी के लिए इस हाईवे से निकल गए थे। लेकिन क्या वो कुछ वजह समझ में नहीं आई, या हो सकता भूख की वजह से वो सिटी मतलब बस्ती की तरफ अंदर घुसे हो, और यहाँ पर कुछ लोगों ने थोड़ा सा रौला मचाया तो हम लोग आए और हमारे जो सफदर भाई वगैरह टीम अशू वगैरह यहाँ पर बच्चे खाना पकाते हैं, गरीब हम बांटते हैं, परवेज वगैरह ने वो आकर इनको खाना वगैरह खिलाया, खाने का भी इनका नज़म किया, और तहसीलदार साहब को हमने फ़ोन किए, उनको आगे की प्रोसेस जो भी है क्वारंटाइन करना या उनके रहने का खाने का इंतज़ाम करना वो तहसीलदार साहब इंशाल्लाह अभी आके करेंगे। वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त हैदराबादी शाहरुख, जैसे कि आप सभी जानते हो, क्योंकि मुझे तो पहले शौक हुआ था बचपन से शाहरुख सर की पिक्चर में देखा था दीवाना, उसके बाद राम जाने, फिर उसके बाद डर, ये सारी फिल्मा, और मैं शाहरुख भाई की तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए हैदराबाद में भी अपने को भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत शाहरुख बोलते। हैदराबादी पिक्चर आप तो देखे चुके आप, क्योंकि मेरे को वहाँ से शौक़ पैदा हुआ था और बचपन से मैं स्टेज शो वगैरह करता था। और आपको मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि दोस्तों नांदेड़ न्यूज़, जी हाँ, हमारे अखिल मिर्ज़ा इमरान खान और हमारे रफीक मिर्ज़ा का मैं उनका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। नांदेड़ न्यूज़ में आपका स्वागत है, क्योंकि नांदेड़ न्यूज़ को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों में सारे इतला कर दीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की, जरे जरे ने मैंने आप लोगों को नांदेड़ न्यूज़ से मिलाने की साजिश की। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें नांदेड़ न्यूज़ से मिलाने की साजिश में लग जाती है। आज इस बात का यकीन है। अभी नांदेड़ न्यूज़ इंडिया की और बॉलीवुड टॉलीवुड की सारी पिक्चर्स की न्यूज़ बाकी है मेरे नांदेड़ न्यूज़ में, बाकी है मेरे दोस्त।